तो हम लोग बात कर रहे थे इलास्टिक और इनइलास्टिक मॉलिक्यूल्स की। तो काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, मोमेंटम कंजर्व होता है। मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व, मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व। ऑन द अदर हैंड टोटल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट नेसेसरली कंजर्व। क्यों क्यों नहीं होता है कंजर्व? द इंपैक्ट ऑफ एंड डिफॉर्मेशन ड्यूरिंग द ओरिजिन They generate sound and heat. मैंने बात बताया था, साउंड प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है एंड थोड़ा सा शेप भी चेंज हो सकता है। जैसे एक बॉल को कभी भी रबर बॉल को थ्रो करते हो, पिंग पॉन्ग बॉल को थ्रो करते हो, तो जब भी वो दीवार से या कहीं से टकराता है उसका शेप थोड़ा सा चेंज होता है, थोड़ी देर के लिए पिछक जाता है और फिर वापस फूल जाता है, होता है। तो एक स्प्रिंग की तरह वो काम कर रहा है, उस दौरान एक स्प्रिंग की तरह काम कर रहा है। Part of this kinetic and part of the kinetic energy is converted into other forms. Kinetic energy का एक part दूसरे form में convert हो जाता है। इसको हम लोग spring के तरह से भी समझ सकते हैं, compressed spring की मदद से भी समझ सकते हैं। Spring pen की spring देखिए ना, सभी ने pen में से spring तो निकाला होगा, निकाल करके उसको खींचते हैं और खींचने कुछ देर तक, कुछ ज्यादा खींच देने के बाद क्या होता है कि वो खींचा ही रह जाता है, वापस नहीं अपने ओरिजिनल शेप पे नहीं पहुंच पाता है, होता है ना। दबा दो तो वापस ओरिजिनल शेप पे जरूर आ जाएगा पेन का स्प्रिंग, पेन के स्प्रिंग को चाहे कितना भी दबा दो वापस अपने सही शेप में आ जाएगा, लेकिन अगर उसको खींच के लंबा कर दो तो लंबा ही रहता है, फिर वापस अपने शेप पे नहीं जाता है। क्यों? उसको इस तरह से डिजाइन नहीं किया जाता है, बट जो शेप खराब हो गया वो डिफॉर्म हो गया ना, डिफॉर्म हो गया, परमानेंटली डिफॉर्म हो गया, फिर वो पेन में लग के भी काम नहीं करता है, फिर वो स्प्रिंग पेन में लग के भी काम नहीं करेगा, वो डिफॉर्म हो गया। तो हमने जो एनर्जी अप्लाई की उस स्प्रिंग को खींच के फैलाने में, वो वापस नहीं निकली एनर्जी उससे, वो वापस उससे नहीं निकली, अंदर ही रह गई। जो हमने जो फोर्स इज इक्वल टू फोर्स स्प्रिंग में फोर्स इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स या वर्क डन इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर जो हमने निकाला था, ये वर्क डन जो है वापस उसके अंदर ही घुसा रह गया, उसे निकला नहीं, स्प्रिंग की शेप खराब हो गई। तो डीफॉर्म करने में एनर्जी कंज्यूम हो जाती है, डीफॉर्म करने में एनर्जी कंज्यूम हो जाती है, दैट इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी जो वापस नहीं निकल सकती, वो लॉक हो गई। तो बॉल को जब कोलाइड करेंगे, बॉल को जब कोलाइड, जब दो बॉल्स कोलाइड होते हैं तो अगर वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ गए विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, अगर वापस आ गए ओरिजिनल शेप में विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, कोलिजन के दौरान तो शेप डिफॉर्म होगी, जरूर डिफॉर्म होगी ही कोलिजन के दौरान शेप, लेकिन अगर वापस वो ओरिजिनल शेप में आ गए एंड विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, कंडीशन भी लग रहा है विदाउट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी, तब वो कोलिजन क्या होगा? इलास्टिक कोलिजन। तब उसको क्या बोलते हैं? इलास्टिक। तो विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी है मतलब काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व हो गई, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व हो चुकी है। बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोलिजन जो डेल्टा टी टाइम, टी आ गया, ये डेल्टा टी कोलिजन का जो टाइम होता है डेल्टा टी, जिसमें हमने बात की थी कि फोर्स जिस दौरान काम कर रही है एक दूसरे के हाथ ऊपर, इन दैट ड्यूरेशन काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज स्टिल इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, बट इन दैट ड्यूरेशन जितनी देर के लिए फोर्स काम कर रहा है उस ड्यूरेशन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। तो इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन, ड्यूरिंग द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। तो ये तो था इलास्टिक कोलिजन की बात। दूसरा केस क्या आएगा? स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो गई, वापस ओरिजिनल शेप पे आने की कोशिश कर रहा, वापस बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा, कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन जो होता है। इनइलास्टिक में अब दो तरह का आ गया, कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन एंड इनइलास्टिक कोलिजन, मतलब पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन, दो तरह के आ गया। तो ये कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन में जो होता है, स्प्रिंग में जो डिफॉर्मेशन हो गया वो इट मे नॉट बी रिलीव्ड, जो दब गया सो दब गया, पेन का स्प्रिंग जो खींच दिया उसके बाद वो कुछ भी कम नहीं, ज्यादा नहीं हो सकता। तो कोलिजन में क्या हो गया? दोनों बॉल एक दूसरे से चिपके, डिफॉर्म हुए एंड देन
वापस अपने ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश ही नहीं कर रहा है. स्प्रिंग इज डीफॉर्म्ड परमानेंटली एंड द टू बॉडीज मूव टुगेदर आफ्टर द कोलिजन. दोनों बॉडी फिर एक साथ जाते हैं, दोनों की सेम स्पीड हो जाती है कोलिजन के बाद. ये कौन सा कोलिजन? इनइलास्टिक कोलिजन, कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन. मतलब जो लॉस होना था वो कंप्लीट हो गया. जितना भी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो पोटेंशियल में कन्वर्ट होना था, शेप में चेंज, डिफॉर्मेशन में जो कंज्यूम हो रहा था वो हो गया. वापस वो रिकवर करने की कोशिश नहीं कर रहा. जैसे अगर कुछ ऐसी चीजें होती है ना जिसको दीवार पे फेंको वहीं चिपक जाती है, शेप उसका चेंज हो जाता है, चिपटा हो जाता है, वो दीवार पे वहीं पे चिपक जाता है. देखा होगा कभी कभी ऐसा भी होता है. तो यस, वो उसका शेप चेंज हो गया एंड वो वापस वहीं पे चिपक गया, वापस आने की बिल्कुल कोशिश नहीं करता है. ओके, एंड हमारा इन दोनों के बीच का केस जो है, एक तो था कि सारी की सारी एनर्जी कंजर्व हो गई, बराबर है इनिशियल एनर्जी एंड फाइनल एनर्जी. एक है कि लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए जितना काइनेटिक एनर्जी चाहिए था उतना ही रखा, बाकी सबको लॉस कर दिया, कंप्लीटली इनइलास्टिक है ना. लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करना था, उसको कंजर्व करने के लिए जितना एनर्जी को बचाना था उतना ही बचाया, बाकी सबको वेस्ट कर दिया. एंड इन दोनों के बीच का केस, कुछ एनर्जी लॉस हुई है, कुछ एनर्जी लॉस होकर साउंड में, हीट में कन्वर्ट हुई है, एंड देन बाकी की एनर्जी कंजर्व. तो दिस इज इनइलास्टिक कोलिजन. लेट्स सी वन बाय वन, एक एक करके सभी को देखते हैं. सबसे पहले है कोलिजन इन वन डायमेंशन. अच्छा, पहले हम लोग वन डायमेंशन की बात करेंगे. कोलिजन इन वन डायमेंशन, वन डायमेंशन मतलब क्या हुआ? वन डायमेंशन मतलब सीधा सीधा, ये बॉल है, ये बॉल है, इससे हमें इस बॉल को हिट करना है एंड हमारा पॉकेट इसी लाइन में. तो ये इधर ही आगे जा करके इसमें पॉकेट हो जाएगा, इधर लेफ्ट राइट नहीं जा सकता है, वो स्ट्रेट लाइन में जाना है. बात समझ में आ रही? लेफ्ट राइट नहीं जाना है, सीधा उसको जाना है. तो ये आया, ये इसको हिट किया एंड दिस विल बी द सेम डायरेक्शन. तो हमारा ये थीटा वन एंड थीटा टू है, ये दोनों जीरो हो जाएगा. थीटा वन इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, थीटा टू इज इक्वल टू जीरो. तभी तो वन डायमेंशन होगा ना. Yes, it is possible कि बॉल वन वापस की तरफ ये रिवर्स आ जाए, वापस ये हो सकता है, बट थीटा वन एंड थीटा टू जीरो रहेगा, तभी वन डायमेंशन की बात होगी. एंड हम लोग बात कर रहे हैं कंप्लीट केस वन, मतलब कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन. कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन मतलब क्या है? एक और कंडीशन हम लोग के पास, दोनों की फाइनल वेलोसिटी सेम रहे, दिस एंड दिस फाइनल वेलोसिटी सेम होगी, यानी कि V1 final is equal to V2 final. तो हम लोग इसको शॉर्ट में सिर्फ V लिख देते हैं, ठीक है. तो हमारे पास अब वेरिएबल क्या क्या थे एंड कॉन्स्टेंट्स क्या क्या थे. M1, M2 masses हम लोग को पता है, M1 and M2. V1 initial हमें पता है, V2 initial को हमने जीरो मान लिया था, है ना. थीटा वन थीटा टू हम लोग जीरो ले रहे हैं, तो थीटा की तो कोई बात ही नहीं है. डायग्राम में मैंने हटाया नहीं है थीटा वन थीटा टू को, सेम डायग्राम को हम लोग हर केस में लेके चलेंगे. तो थीटा वन थीटा टू हम लोग को जीरो है. अब एक ही अननोन बचता है, ये वी, ये वी एक अननोन बचता है. वी वन इनिशियल, वी वन फाइनल, फर्स्ट बॉल का फाइनल वेलोसिटी, दिस इज इक्वल टू सेकेंड बॉल का फाइनल वेलोसिटी, उसको मान लो. तो लीनियर मोमेंटम इनिशियल क्या होता है यहाँ पे, पी इनिशियल क्या है हमारे पास, एम वन वी वन इनिशियल है ये, एंड दिस इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम होना चाहिए पी टू. फाइनल क्या है, एम वन प्लस एम टू दोनों एक साथ चलेंगे अब, और ये किस स्पीड से चलेंगे, वी स्पीड से चलेंगे. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से हम लोग को क्या मिल रहा है, एम वन वी वन इनिशियल इज इक्वल टू एम वन प्लस एम टू मल्टीप्लाइड बाई वी. यहाँ से हम लोग आराम से वी निकाल सकते हैं, एक ही अननोन है यहाँ पे, एम वन वी वन इनिशियल डिवाइड बाई एम वन प्लस एम, ठीक है, मिल गया हमें वेलोसिटी. नाउ सी द काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है इसमें, लेट्स सी.
के इनिशियल क्या है, 1/2 m1 v1 इनिशियल का स्क्वायर, यही है। एंड काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या है, 1/2 m1 + m2 दोनों इकट्ठे चल रहे हैं अब सिंगल बॉडी की तरफ, मल्टीप्लाइड बाय m1 × v1 इनिशियल का स्क्वायर, ये कंप्लीट पे स्क्वायर ऐसा लगेगा, m1 + m2 यही आएगा ना। लेट्स सिंपलीफाई दिस, 1/2 m1 + m2 एक कैंसिल हो जाएगा, एक नीचे बचा रहेगा, m1 square v1 इनिशियल का स्क्वायर डिवाइड बाय m1 + m2। ओके ठीक है, यही आएगा। नाउ सी, इसमें से अगर हम लोग इसको बाहर निकालते हैं, इसके बाद क्या बचता है, 1/2 m1 v1 इनिशियल का स्क्वायर, इसको बाहर कर दो। अब मल्टीप्लाई करने के लिए क्या बच रहा है हमारे पास, ये m1 आ गया है, v1 इनिशियल का स्क्वायर आ गया है, m1 ऊपर का भी आ गया है, अब यहाँ पे क्या बचा है, m1 / m1 है ना, दिस नंबर इज लेस देन 1। This number is less than 1, मतलब K initial, kinetic energy initial into M1 divide by M1 + M2, kinetic energy में loss हो रहा है। देख रहे हो ना, kinetic energy में loss हो रहा है, अच्छा खासा kinetic energy loss होता है। Inelastic collision है, momentum, linear momentum conserve हो गया, लेकिन kinetic energy में loss हो रहा है। And now see, अगर M1 is equal to M2 हो जाता तो क्या होता, If M1 is equal to M, तब क्या होता, B final के velocity final यहाँ पे ये क्या आती, ये B final क्या आता, ये आ जाता हमारा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको अलग से, ये क्या आता, V1 initial divide by 2 होता ना, and फिर kinetic energy final क्या आता, 1/2 m1 + m2 multiplied by V1 initial का square divide by 4, अब ये 1/4 हो गया kinetic energy, देख लो kinetic energy 1/4 हो गया है, कितना कम हो गया kinetic energy, 75% loss हो गया, ज्यादा से ज्यादा loss हो गया है। खैर बात समझ में आ रही है, linear momentum conserve हो रहा है लेकिन kinetic energy का बहुत ज्यादा loss हो जा रहा है। एंड सेकेंड केस की अगर बात करेंगे तो क्या होता है, सेकेंड केस में हमारे पास क्या है, इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, नो एनर्जी इज लॉस्ट, नो एनर्जी इज लॉस्ट, तो इस बार दोनों एक साथ नहीं जाएंगे, है ना, इन इलास्टिक था तो दोनों ऑब्जेक्ट्स को हमने बोला एक साथ चलेंगे, अब इलास्टिक है दोनों एक साथ चलेंगे तो फिर से पिछला वाला केस हो जाएगा, तो यहाँ पे v1 इनिशियल इज v1 फाइनल इज नॉट इक्वल टू फाइनल, v1 का फाइनल दिस इज नॉट इक्वल टू v2 फाइनल, ये तो नहीं है, 1D की हम लोग बात कर रहे हैं तो ये तो जीरो फिर से लेना ही होगा, बोथ द एंगल्स आर इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अब p इनिशियल क्या है, मोमेंटम इनिशियल क्या है, m1 v1 इनिशियल, मोमेंटम फाइनल क्या है, m1 v1 फाइनल प्लस m2 v2 फाइनल, यहाँ पे देखो दो वेरिएबल है हमारे पास, m1 फाइनल है, v1 फाइनल एंड v2 फाइनल, ये दो वेरिएबल्स हैं जो हमें निकालना होगा। इन इलास्टिक कोलिजन में दोनों बराबर थे, सिर्फ एक ही वेरिएबल निकालना था, इलास्टिक कोलिजन में दोनों बराबर नहीं है, दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं जो हमें कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम को जब कंजर्व करा देंगे हम लोग तो क्या आता है, m1 v1 इनिशियल इज इक्वल टू m1 v1 फाइनल प्लस m2 v2 फाइनल, एंड यहाँ पे दो वेरिएबल है, देखो ये दोनों वेरिएबल्स हैं, अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, अंडरलाइन कर रहा हूँ, दो वेरिएबल्स हैं एक इक्वेशन में, तो यहाँ से तो बन ही नहीं सकता है, दो वेरिएबल्स हैं एक इक्वेशन है, यहाँ से तो सॉल्व कर ही नहीं सकते हम लोग, कुछ और चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, कुछ और क्या है, काइनेटिक एनर्जी को भी कंजर्व कराना है,
काइनेटिक एनर्जी को जब कंजर्व कराएंगे तो क्या होगा, हम 1/2 m1 v1 initial का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m1 v1 final का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 final का स्क्वायर। अब दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व करने के बारे में हम लोग सोच सकते हैं, बट स्टिल इट्स नॉट इजी, आसान नहीं है। यहाँ पे देखो एक सिंगल लीनियर वेरिएबल्स है और यहाँ पे स्क्वायर्स में आ गए हैं, है ना। हमारा वेरिएबल तो वही है लेकिन स्क्वायर में आ गया, आ गया है ना। तो इट्स नॉट गोइंग टू बी सिंपल, बट स्टिल सॉल्व तो करना ही होगा। तो इस इक्वेशन से चलो अगर हम लोग वी टू फाइनल की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगा, एम वन वी वन इनिशियल माइनस वी वन फाइनल डिवाइड बाय एम टू, ये हम लोग का आता है दिस इज इक्वल टू वी टू फाइनल। इस इक्वेशन से वी टू फाइनल की वैल्यू हमने निकाल दी, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, 1/2 को तो मैं कैंसिल करा देता हूँ, 1/2 कैंसिल कर दो, देन व्हाट डू वी गेट, एम वन वी वन इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू एम वन वी वन फाइनल का स्क्वायर प्लस एम टू एंड स्क्वायर ऑफ दिस एम वन मल्टीप्लाइड बाय वी वन इनिशियल माइनस वी वन फाइनल डिवाइड बाय एम का स्क्वायर। तो देखो ये बहुत ही खतरनाक जैसा क्वाड्रेटिक आ गया है ना। हाँ मैं कैलकुलेट क्या, देखो वेरिएबल कौन सा है, कांस्टेंट कौन सा, ये भी हमें सोचना पड़ रहा है। वेरिएबल हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक बचा है, वो क्या है, वी वन फाइनल, वी टू फाइनल को एलिमिनेट कर दिया, वो वी वन फाइनल हमारा वेरिएबल। सी वी वन फाइनल का स्क्वायर टर्म यहाँ पे है, वी वन फाइनल का यहाँ पे भी स्क्वायर टर्म आने वाला है, एक क्वाड्रेटिक v1 फाइनल में आ रहा है। उसके अलावा सारे कांस्टेंट्स ध्यान दे लो, यहां पे m1 पता है, v1 इनिशियल पता है, v1 फाइनल तो निकालना ही है, v1 इनिशियल पता है, m1 m2 पता है, सिर्फ और सिर्फ v1 फाइनल में एक क्वाड्रेटिक है। तो फिजिक्स हम लोग की खत्म है, इसको सॉल्व कर लेंगे, क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेंगे, हमारा कोलिजन सॉल्व। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इतना मुश्किल है इसीलिए हम लोग को कोलिजन मुश्किल लगता है। देखो सॉल्व करो, आराम से करो सॉल्व, आंसर आएगा, बिल्कुल सही आंसर आएगा। See here, m1 v1 initial square is equal to m1 v1 final square plus ये m2 ऊपर ऊपर एक कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक बचा रहेगा, ये 1/m और ऊपर क्या आ रहा है, m1 का स्क्वायर, ब्रैकेट खोल दो, v1 initial square प्लस v1 फाइनल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स v1 इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय v1 फाइनल, रीअरेंज द टर्म्स टू फॉर्म द क्वाड्रेटिक, v1 फाइनल स्क्वायर यहां है, v1 फाइनल स्क्वायर यहां है, v1 फाइनल का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या आता है, m1 यहां से आ रहा है और यहां पे आ रहा है प्लस m1 स्क्वायर डिवाइड बाय m, ओके। v1 फाइनल का लीनियर टर्म यह वाला है माइनस 2 m1 स्क्वायर डिवाइड बाय m, v1 इनिशियल v1 फाइनल, एंड कांस्टेंट टर्म क्या है, यह वाला है प्लस m1 स्क्वायर डिवाइड बाय m, v1 इनिशियल का स्क्वायर, एंड ये नेगेटिव पे आ जाएगा, माइनस m1 v1 इनिशियल का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। तो अभी हम लोग एलसीएम लेकर के m2 को भी डिनोमिनेटर को भी एलिमिनेट कर देते हैं, v1 फाइनल का स्क्वायर ब्रैकेट में m1 इनटू m2 प्लस m2 m1 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स m1 स्क्वायर v1 इनिशियल v1 फाइनल प्लस m1 v1 स्क्वायर को कॉमन निकाल देता हूं मैं, ब्रैकेट में क्या बच रहा है, m1 स्क्वायर माइनस m1 इनटू m2 दिस इज इक्वल टू g, ठीक है। तब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना होगा, डिटरमिनेंट का स्क्वायर रूट मैं अलग से पहले निकाल ही लेता हूं, लंबा सा कुछ निकलने वाला है ये, अच्छा d निकालते हैं फिर स्क्वायर रूट निकालते हैं, d निकाल लो पहले, दिस इज इसका स्क्वायर 4 टाइम्स m1 का पावर 4
v1 इनिशियल स्क्वायर। ओके, माइनस 4 टाइम्स ब्रैकेट के अंदर है m1 m2 प्लस m1 स्क्वायर, एंड यहां से ब्रैकेट में आता है m1 स्क्वायर माइनस m1 m2। सॉल्व इट केयरफुली, देखो घबराना नहीं, सॉल्व करना आएगा। v1 स्क्वायर यहां पे भी था, ये v1 इनिशियल का स्क्वायर, तो 4 टाइम्स v1 इनिशियल का स्क्वायर को मैं पहले ही कॉमन निकाल देता हूं। यहां पे m1 का पावर 4 है माइनस, इस दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है, m1 कॉमन निकाल दो, m1 को कॉमन निकाल दो, ये आता है m1 प्लस m2, एंड इन दोनों में से m1 को कॉमन निकाल दो तो फिर से m1 माइनस m2 आएगा, m2 माइनस m1 आएगा, ठीक है। m1 का स्क्वायर यहां बाहर निकल गया है, दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स v1 इनिशियल का स्क्वायर m1 टू दी पावर 4 माइनस m1 स्क्वायर, और ब्रैकेट में अब आएगा m2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर, ठीक है। So this minus m1 square will give you m1 power 4, तो यह cancel हो जाएगा। क्या बच रहा है, सिर्फ 4 times v1 initial का square, m1 square, m2 square, sign कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है क्या, ठीक ही लग रहा है। तो d क्या मिल गया, स्क्वायर रूट ऑफ d क्या मिल गया हमें, स्क्वायर रूट ऑफ d इज इक्वल टू 2 टाइम्स v1 इनिशियल m1 इनटू m2। अब v1 फाइनल क्या आया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से 2 टाइम्स m1 स्क्वायर v1 इनिशियल प्लस या माइनस 2 टाइम्स v1 इनिशियल m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 डिवाइड बाय m1 ब्रैकेट के अंदर m1 प्लस m। ओके, सो दिस m1 कैंसिल करा दो, ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यह m1 खत्म हो जाएगा, ये m1 खत्म हो जाएगा, और 2 भी आएगा यहां पे नीचे, तो 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बच रहा है, this v1 final is equal to m1 v1 initial plus या minus m2 v1 initial divide by m1 plus m। तो हमें positive value को लेना होगा, negative value को ले नहीं सकते यहाँ पे, positive value को negative value को लेना होगा, sorry positive नहीं ले सकते, negative लेंगे तो आता है m1 minus m multiplied by v1 initial divided by m1 plus m। बहुत ही लंबा सा कैलकुलस किया, एंड नाउ कम बैक, v2 फाइनल भी इसी से निकल जाएगा। यहां पे m1 की v1 फाइनल की वैल्यू आई है m1 minus m2 multiplied by v1 initial divided by m1 plus m2। इस वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो तो हमें v1 फाइनल मिल जाएगा, v2 फाइनल मिल जाएगा। क्या मिलता है वो, लेट्स सी, v2 फाइनल दिस इज इक्वल टू m1 डिवाइड बाय m2 v1 इनिशियल माइनस v1 इनिशियल ब्रैकेट के अंदर m1 माइनस divide by m1 plus m2. This is equal to m1 divide by m2 v1 initial bracket के अंदर अब क्या आएगा, m1 plus m2 minus m1 plus m2 divide by m1 plus m2. This m1 cancels out here. 2m2
तो ये 2 टाइम्स m1 m2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये m2 और यहां से भी ये भी कैंसिल आउट, 2 m1 बचा से 2 m1 v1 इनिशियल डिवाइड बाय m1 प्लस m, ठीक है, बहुत लंबा कैलकुलेशन हुआ, दैट्स व्हाई कोलिजन इज डिफिकल्ट, और कुछ नहीं है इसमें, कैलकुलेशन सिर्फ लेंथी है, बाकी कॉन्सेप्ट्स आसानी थे। ओके, आई विल स्टॉप दिस वीडियो हियर, बाकी चीजें अगले वीडियो में।